हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति धामी ब्लॉग्स। आशा करते हो आप सभी ठीक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रेडी हूँ, मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मैंने रही है मेरे साथ ज्योति धामी ब्लॉग्स पे। तो जो ये मैंने साड़ी पहनी हुई ना, एक्चुअली ये साड़ी मैंने अपने शादी के टाइम पे अपने रिसेप्शन पे पहनने के लिए ली थी। मैंने लहंगा भी लिया था और साड़ी भी, बट मैंने अपने रिसेप्शन पे लहंगा ही पहना हुआ था। और ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। तो मैंने आज रेड साड़ी पहनी हुई है। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग पे, जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था जब, तो मैंने जो ब्लॉग बनाया था उसमें बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपनी ज्वेलरी का बनाऊंगी, अपनी गोल्ड ज्वेलरी का। तो एक्चुअली उस बीच थोड़ा मैं यहाँ थी नहीं, मैं वर्केटा चली गई थी और मेरी सारी ज्वेलरी यहीं थी, तो इसीलिए मैं वो ब्लॉग उस ब्लॉग के बाद नहीं डाल पाई। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज मेरा ब्लॉग तो आप समझ ही गए होंगे, मेरी गोल्ड ज्वेलरी पे होने वाला है। तो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो कुमाऊनी ज्वेलरी पे ब्लॉग बन रहा है और साड़ी पहनी हुई है और रंगील पिछौड़ा ना डालो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिना रंगील पिछौड़े के सब सूना सूना और अधूरा अधूरा लगता है। तो जल्दी से मैं पिछौड़ा भी डाल देती हूँ, और पिछौड़ा डाल के एक अलग ही चमक टाइप की आ जाती है। हम कुमाऊनियों की, हम पहाड़ियों की शान है हमारा पिछौड़ा, और बहुत ही सुंदर लगता है पिछौड़ा डाल के। तो ये भी मेरी शादी वाला ही पिछौड़ा है, रंगीला पिछौड़ा। तो इसको भी डाल देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये डाल दिया मैंने पिछौड़ा, कुछ इस तरीके से मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ। ओह, निकल गया। तो जल्दी से मैं इसको ना पिन अप वगैरह अच्छे से सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो आई एम बैक विथ रंगीला पिछौड़ा। मैंने पिछौड़ा भी डाल दिया। और जो पहले के पिछौड़े होते थे ना मम्मी लोगों के टाइम पे, वो कॉटन पे आते थे। आजकल जो पिछौड़े आते हैं ये जॉर्जेट पे होते हैं। तो ये तो हुई रंगीले पिछौड़े की बात। तो आगे को बढ़ते हैं, एक एक करके मैं अपनी जो भी ज्वेलरी है वो मैं पहनते भी रहूँगी और सारी चीज़ें आपको बताते भी रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो मैंने ना जूड़ा बांध दिया है, क्योंकि बाल खुले खुले बालों में तो अच्छे से दिखेगा नहीं और मेरे को भी सारी चीज़ें पहनने में थोड़ा ईजी रहेगा, तो मैंने जूड़ा बांध दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंगटीका के साथ। तो ये रहा मेरा मंगटीका, ये मेरे मंगटीका और मेरे इयररिंग की डिज़ाइन मैंने सेम रखी थी। जो ये वाला पैटर्न है मंगटीका वाला, यही सेम पैटर्न मैं भी आपको दिखाऊंगी, वो मैंने अपने इयररिंग्स पे भी रखा हुआ है। तो ये थी मेरी मंगटीका, मंगटीका को मैं अटैच कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो मंगटीका के बाद ना मैं सीधे इयररिंग आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पैटर्न मैंने सेम रखा था, कैसे रखा था क्या रखा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे इयररिंग्स, ये आप देख लोगे, इसका ये वाला पैटर्न जो है और ये वाला पैटर्न, ये सेम, ये मैच करता है। तो ये रही मेरी इयररिंग। इयररिंग्स के लिए भी ना काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि मैंने इयररिंग कहाँ से बनवाई थी, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी मैंने इयररिंग कहाँ से बनवाई थी।
तो ये रहे मेरे इयररिंग जो मैंने अपने कानों पर पहन दिए हैं। शादी के दिन भी इसको वैसे इसको एक्चुअली ना ऐसे अटैच करा जाता है कान के पीछे से लगा के, ऐसे फिर पैच में फंसाया जाता है। बट इसको मैं जब भी पहनती हूँ ना इसको ऐसे ही टक करके ही पहनती हूँ पीछे को, और शादी के दिन भी मैंने इसको ऐसे ही पहना था, तो मुझे ऐसे पहनना ज़्यादा पसंद है इस तरीके से। तो आप लोग भी अपने इयररिंग को ऐसे स्टाइल कर सकते हो कभी चेंज के लिए। तो ये थी मेरे इयररिंग्स। आप पहनते हैं फौजी, ये रहे मेरे पौजी। पौजी भी ना आजकल थोड़ा अलग टाइप के चल रहे हैं जिसमें छोटे 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 वाले दाने होते हैं, ये पुराना वाला ही है, मुझे ये ही ज़्यादा बेटर लगता है पौजी में, मुझे वो वाला नहीं पसंद है, तो मैंने यही वाला बनवाया। तो ये रहे मेरे पौजी। हल्का सा मैं बात लेते हैं, और जो मैंने चूड़ा पहना हुआ है ना, ये चूड़ा भी मेरी शादी का है, ये मैं देहरादून से लिया था क्योंकि मेरा साइज़ भी नहीं मिलता, क्योंकि मेरे हाथ भी छोटे हैं तो मुझे साइज़ नहीं मिलता है, साइज़ मिलने में ना मुझे बहुत परेशानी होती है, चूड़ियों का साइज़ हो गया, चूड़ा, ये सारी चीज़ें। तो शादी के बाद से मैं जब भी चूड़ा पहनती हूँ ना मैं अपनी शादी वाला ही चूड़ा पहनती हूँ, तो इस हाथ में तो मैंने पौच पहन दिया, दूसरे हाथ में पहनती हूँ। ये रहा चूड़ा, मैंने ठीक ठाक इस तभी ख़रीदा था क्योंकि मेरे को पता था मेरे को हर जगह साइज़ नहीं मिलता है, तो मैंने अच्छा ही चूड़ा लिया था, ज़्यादा सस्ता वाला नहीं लिया, ठीक ठाक लिया था ताकि मेरे बाद में भी काम आ जाए, क्योंकि मेरे को पता था भाई मुझे इजीली नहीं मिलता है साइज़। तो फिर ये जैसा था ना ये चूड़ा अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रखा है, और ना ही इसके नग वग निकले हुए हैं, ना ही इसका कलर फेड हुआ है, जबकि मैंने शादी के बाद ने इसको बहुत ज़्यादा पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों ने मेरे वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो इंस्टाग्राम वगैरह में भी, तो जब फंक्शन होता है ना मैं यही वाला चूड़ा पहनती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली साइज़ का इशू है। तो ये रहे मेरे पौजी, पौजी मैंने पहन दिए हैं। पर्सनली ना मुझे पौजी बहुत पसंद है, मुझे पौजी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक पे कुछ पहन लेते हैं, क्योंकि मेरा गला खाली खाली लग रहा हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक मंगलसूत्र पहना हुआ है जो मैं घर पे पहनती हूँ। तो ये रही मेरी माला, ये रहा डिज़ाइन। तो उस टाइम पे तो क्योंकि इतना कुछ माला वाला का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, और लेटेस्ट उस टाइम पे यही वाला डिज़ाइन चल रहा था, तो इसमें जो ये वाला था ना इसके साथ नीचे थोड़ा अलग था, उसमें यहाँ से ब्लैकेस आने थे, बट मेरे को इसका मैच कराना था, तो इसमें है एक पिंक और एक वाइट नग है, तो मैंने फिर ये जो लॉकेट है मैंने यही वाला चूज़ करा था। तो ये रही मेरी माला, इसको पहनते हैं। ये रही, इसकी लेंथ मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज़्यादा ऊपर को हो गए, जैसे अब मैं नेक पे कुछ पहनती हूँ, कुछ और पहनती हूँ ऊपर से, तो ये वाला ढक जाता है, तो इतने ऊपर लगाने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा लंबा बनाने वाली हूँ, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूँगी तो थोड़ा इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, और फिर मैं ऊपर से कुछ पहनूँ तो फिर ये भी अच्छे से विजिबल होगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी मार्केट तो फिर मैं इसको दोबारा गुदवा के आऊँगी, इसको थोड़ा लंबा कर दूंगी मैं।
तो माला भी मैंने डाल दी है। तो अब है मेरे गलाबंद की बारी, जो मेरे लिए मतलब बहुत ही स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। ये रहा मेरा गलाबंद। जो ये गलाबंद है ना, ये मेरी दादी का गलाबंद है, ये उनकी शादी का उनका गलाबंद है, तो ये इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरी दादी जब भी ऐसी कोई बात आती थी ना, मेरी दादी हमेशा से कहती थी कि जो मेरा गलाबंद है वो मेरी नातनी ही पहनेगी और ये उसे ही देना करके, क्योंकि एक्चुअली अभी मेरी दादी है नहीं, वो एक्सपायर हो गई और उनके एक्सपायर हुए पाँच या छः साल हो गए। और इसको मैंने बिल्कुल भी रीडिज़ाइन नहीं करवाया क्योंकि मेरी दादी का है। सब लोग मुझसे कह रहे थे यार तूने सारा तो इतना अच्छा कलेक्शन बनाया था, सारा न्यू डिज़ाइन था, इयर रिंग्स हो चाहे मेरी नथ हो, मांग टेका हो, सारी चीज़ें, बट गलोबंद तूने इतना पुराना वाला डिज़ाइन क्यों बनवाया करके। तो एक्चुअली ये मैंने बनवाया नहीं, ये मेरी दादी का गलोबंद जैसा था मैंने वैसा ही पहना हुआ है और मैं इसको कभी रीडिज़ाइन करवाऊँगी भी नहीं। और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरी दादी की ब्लेसिंग है, दादी तो है नहीं, उनकी ब्लेसिंग है। तो ये उस टाइम का दादी का, ये बहुत पुराना डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं ये। और इसका कलर भी मैंने ना इसको कुछ भी नहीं करवाया, एज इट इज़ पहना, जैसा था मैंने वैसा ही इसको पहना और ना मैंने इसको क्लीन अप करवाया, मैंने क्लीन अप तक नहीं करवाया क्योंकि ऑब्वियसली इमोशंस जुड़े होते हैं, तो मैंने क्लीन अप भी नहीं करवाया और ना ही मैंने इसको रीडिज़ाइन करने की एक बार भी नहीं सोचा। मतलब मम्मी मुझसे कह रही थी अगर तुझे नया बनाना है तो तू बनवा ले करके, बट मुझे नहीं बनाना था और इसको मैं ऐसे ही रखूँगी हमेशा। तो इसे मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। ये रहा मेरा गलोबंद। सिर्फ पहले ज़माने में क्या होता था, ये सिर्फ काले पट्टे में होता था, ये जो अभी आपको रेडेस दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक पट्टे पे, ब्लैक कलर पे होता था। सिर्फ मैंने ये चेंज करवाया क्योंकि वो ख़राब हो गया था, पूरा फट गया था, तो ऑब्वियसली नया तो मुझे लगाना ही था क्योंकि मैं फटा हुआ अपनी शादी के दिन नहीं पहन सकती। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसका यही चेंज करवाया और इसको मैंने रेड पे अटैच करवाया। तो ये रही मेरी दादी की प्लेसिंग और मेरी गलोबंद। ये रहा जंतर और ये एक नेपाली पेंडेंट है, ये जो है मेनली नेपाल का है, ये नेपाल वाले इसको यूज करते हैं, बट आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, आजकल हर कोई इसे बना रहा है और ये ना बहुत छोटे में बन जा रहा है, बहुत कम सोने में। और ये रहा इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा। इसमें भी ना जो ये मोती था इसमें कुछ अलग था फ्लावर, तो मुझे रोज़ बना हुआ था तो मुझे रोज़ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसका भी ये चेंज करवाया। बाकी डिज़ाइन तो मैंने कुछ चेंज नहीं करवाया, जैसा था वैसे लिया, बट ये वाला है जो इसको मैंने हटा के मैंने ये वाला मोती डलवाया, तो ये ना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो रोज़ लगा था ना उसमें थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आर्टिफिशियल है करके, बट ये लगाने पे ना ये और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये रहा ये, और ये दोनों की लेंथ ना सेम हो जा रही थी, जैसा आप देख रहे हैं अभी भी ये सेम एक ही साथ दोनों की लेंथ सेम। तो मैंने क्या करा था, इसको ऊपर करके यहाँ पे हल्का सा फिर ऐसे फोल्ड कर दिया था कुछ इस तरीके से, तो ये थोड़ा मैनेज हो गया था क्योंकि एक ही साथ सारे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा अच्छा लुक देता है। तो ये रहा जंतर मंतर। सो नेक्स्ट जो फाइनली हमारे पास बचता है वो है मेरी नथ। मेरी नथ की भी एक अलग कहानी है, मैं आपको बताती हूँ।
तो ये रही मेरी नथ जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई थी मेरे शादी के टाइम पे। मेरे को मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि अपनी नथ का डिजाइन भेज दो, नथ और इयररिंग के लिए सबने मुझसे बहुत ज्यादा पूछा था। तो ये वो नथ है और इस नथ की कहानी ऐसी थी ना, जब मैं ये डिजाइन मैंने दिखाया तो पूरा अलग ही बना दिया था, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। ये वाला पैटर्न थोड़ा ऐसा रखा था बट नीचे से बहुत ही अलग बना दिया था। फिर मैं चेंज करवा के आई, फिर मैं दोबारा भी ये जैसा मैंने बोला था वैसा नहीं बनाया था। उन्होंने क्या करा था, ये जो नीचे के ये लटकन है ये उन्होंने आधे लगाए थे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि उनका कहना था मतलब जैसे ऊपर तक अटैच हो जाता है ना तो फिर एक के ऊपर एक आ जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। बट मुझे ऐसा ही चाहिए था क्योंकि मुझे ऐसा पसंद था, मुझे ऊपर से ही लगवाना था और मुझे ये जो ये घुंघरू है ये मेरे पूरे ही चाहिए थे। उन्होंने हाफ में लगाए थे यहाँ यहाँ तक, तो फिर मैंने वो भी कैंसिल कर दिया था। मैं तीसरे बार गई सुनार के पास तो मैंने बोला नहीं अंकल आप बस लगा दो जैसा मैं कह रही हूँ, अच्छा लगे ना लगे बट मेरे को वैसा ही चाहिए। तो उसके बाद फाइनली तीसरी बार में मेरी नथ प्रॉपर बनी जैसा मुझे चाहिए था। तो ये रहा मेरा नथ का डिज़ाइन जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया था ये। तो जल्दी से मैं नथ पहन के आपको दिखाती हूँ। उसके लिए आई थिंक मेरे को फुली निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैं वीडियो बनाते रहती हूँ ना, तो मेरे को फुली नथ पहनने के लिए निकालनी पड़ती है। बीच में ऐसे निकालते क्योंकि बार बार निकालते तो ना ये नीचे का पैच टूट ही जाता है। ये टूट गया था, फिर ये भी मैं दोबारा बनवा के आई फुली। वो पीछे क्या था, अंदर ही उसका नॉट जो होता है वो पैच वो अंदर ही फंस गया था। ये रही मेरी नथ, बालू लग जा रहे मेरे, मेरी जुल्फे खराब हो जा रही है। ये रही मेरी नथ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बता देती हूँ मैंने कहाँ से बनवाई थी। जो मेरी नथ थी वो मैंने महेश लाल पिथौरागढ़, महेश लाल सुनार है उनके वहाँ से बनाई थी नथ। और जो मेरे इयररिंग थे वो भी वहीं के हैं, महेश लाल के यहीं से ही हमने बनाए थे इयररिंग भी। तो जिनको अगर ये डिज़ाइन पसंद हो, उनको बनवाना हो, तो आप ये डिज़ाइन देख के आप उनके पास जाके आप बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि प्लीज़ बनाओ। तो फाइनली मैंने आज वो ब्लॉग बना दिया और आई जस्ट होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।